आज का हमारा टॉपिक है रेक्टल एग्जामिनेशन और रेक्टल पल्पेशन। रेक्टल एग्जामिनेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन का। रेक्टल एग्जामिनेशन हमें विजरल ऑर्गन्स की डिजीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प आउट करता है। रेक्टल एग्जामिनेशन यूज़ होता है प्रेगनेंसी टेस्ट और प्रेगनेंसी एग्जामिनेशन के लिए। सो रेक्टल पल्पेशन के थ्रू हम फाइंड करेंगे कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है, और अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी की एग्जामिनेशन भी हम रेक्टल पल्पेशन के थ्रू करते हैं। जब हम रेक्टल पल्पेशन करते हैं तो हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो हमने अपने हाथ पे लुब्रिकेंट लगाना है, और दूसरी चीज़ ये कि हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी। और अगर हम ये दो चीज़ें नहीं करते तो इसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम कुछ डिस्कस करते हैं, जैसे कि वजाइनल रप्चर हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि रेक्टल पल्पेशन के थ्रू हम कौन से विजरल ऑर्गन्स को पल्पेट कर सकते हैं, और पल्पेशन के थ्रू हमें उनके बारे में क्या मालूम होगा, वो सब अब हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, फीसिस। रेक्टल पल्पेशन के थ्रू हम फीसिस को एग्जामिन करेंगे। उसका कलर, उसकी कंसिस्टेंसी वगैरह हम देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि एनिमल जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है या वो डिजीज़ है। अगर वो डिजीज़ है तो उसमें कौन सी डिजीज़ है, ये सब हमें पता चलेगा। अगर काऊ जो है वो कुछ अरसे से खाना पीना उसने बंद किया है तो उसकी फीसिस स्केंटी मतलब कम होंगे और पेस्टी फीसिस होंगे। इससे हमें पता चलेगा कि काऊ आजकल ऑफ फीड है। और अगर इंटेस्टाइनल स्ट्रेसेस है तो फीसिस स्केंट होंगी मतलब कम होंगी, फीसिस के ऊपर जो है वो थिक म्यूकस कवर होगा और फीसिस में ब्लड भी होगा। और अगर कॉन्स्टिपेशन है एनिमल को तो कॉन्स्टिपेशन में उसकी फीसिस बहुत हार्ड होगी कंसिस्टेंसी में, और उसके ऊपर एक्सेसिव म्यूकस होगा। और अगर एनिमल फैटी लिवर डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसकी फीसिस जो है ऑरेंज म्यूकस से कवर होगी बाइल सिक्रीशन की वजह से। अगर एनिमल की फीसिस ब्लैक हैं कलर में तो इससे हमें पता चलता है कि एबोमेजम से ब्लीडिंग हो रही है। और अगर फीसिस में फ्रेश ब्लड है तो इससे पता चलता है कि डिस्टल इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो रही है, और ये ब्लीडिंग कोक्सीडियोसिस और क्लोस्ट्रीडियल एंट्राइटिस की वजह से होती है। सो रेक्टल पल्पेशन के थ्रू जो हमने फीसिस को एग्जामिन किया, इसने हमें हेल्प आउट किया कि हमें पता चले कि एनिमल की कंडीशन क्या है। एनिमल ऑफ फीड है, एनिमल को कोक्सीडियोसिस है, एनिमल को फैटी लिवर डिजीज़ है, एनिमल को कॉन्स्टिपेशन है। नंबर टू, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। रेक्टल पल्पेशन के थ्रू हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक को भी एग्जामिन करते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सबसे पहले हम सर्विक्स को पल्पेट करते हैं। अगर सर्विक्स जो है वो फ्रीली मूवेबल है, इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है या नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है या प्रेगनेंसी 70 डेज तक है। और अगर सर्विक्स जो है वो फिक्स है और एब्डोमिनल है तो ये शो करता है कि एनिमल प्रेग्नेंट है 70 डेज से ज़्यादा, या उसमें पायोमेट्रा है या हाइड्रोमेट्रा है या एक्सुडेट्स हैं या ट्यूमर है या एक्सटेंसिव एडहियंस हैं। इसी तरह हम यूट्राइन हॉर्न को भी पल्पेट कर सकते हैं। इसको पल्पेट करके हम डायग्नोस करते हैं फीटल हेल्थ, मेट्राइटिस और पायोमेट्रा। नंबर थ्री, यूरिनरी ब्लैडर। हम यूरिनरी ब्लैडर को पल्पेट करते हैं रेक्टल पल्पेशन के थ्रू, और जब हम इसको पल्पेट करेंगे तो ये वेंट्रल होगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक के। और अगर ये एम्प्टी है तो हम इसको पल्पेट नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर ये फिल है तो हम इसको पल्पेट कर सकते हैं। और अगर एनिमल को क्रोनिक सिस्टाइटिस है तो हमें जो है यूरिनरी ब्लैडर की वाल्स जो है वो थिक फील होंगी। नंबर फोर, किडनीज। राइट किडनी जो है वो कॉडल होती है लेफ्ट किडनी के, इसलिए जो राइट किडनी है उसको पल्पेट करना मुश्किल होता है। अगर वो इन्फ्लेम्ड है तो फिर हम उसको इजीली पल्पेट कर सकते हैं। हम किडनीज को पल्पेट क्यों करते हैं? उनके साइज़ के लिए, उनकी इन्फ्लेमेशन मालूम करने के लिए। अगर पाइलोनेफ्राइटिस है तो एनिमल को पेन होगा पल्पेशन पे। नंबर फाइव, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। जब हम रेक्टल पल्पेशन करेंगे तो उसमें हम इन लिम्फ नोड्स को पल्पेट करेंगे। अगर ये लिम्फ नोड्स इनलार्ज हैं तो इसका मतलब है एनिमल सफ़र कर रहा है मिस्टाइटिस से, या उसको पेल्विक इन्फ्लेमेशन है, या उसको लिम्फोसार्कोमा है।
नंबर 6 र्यूमेन। हम जब र्यूमेन को पल्पेट करेंगे तो हम मिड लाइन के लेफ्ट साइड पे र्यूमेन को पल्पेट करेंगे, मतलब कि र्यूमेन जो है वो मिड लाइन के लेफ्ट साइड पे होगा। हम इसको पल्पेट करेंगे इसके साइज़ और कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, क्योंकि इसके साइज़ और कंसिस्टेंसी डिफरेंट डिजीज़ में चेंज होता है। जब हम र्यूमेन को पल्पेट करते हैं तो उसके वेंट्रल कंटेंट्स फ्लूइड लाइक होते हैं और डोर्सल कंटेंट्स जो हैं उसमें गैस होती है। अगर एनिमल ऑफ फीड है तो उसका जो र्यूमेन है वो आसानी से पल्पेट नहीं होता, और अगर एनिमल को ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस है तो एनिमल जो है वो ग्रंट करेगा जब हम पल्पेट करेंगे र्यूमेन को। नंबर 7 स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीकम। स्मॉल इंटेस्टाइन और सीकम जो है ये वेंट्रल और राइट साइड पे होते हैं लेफ्ट किडनी के। नॉर्मल कंडीशंस में जब हम एनिमल का एब्डोमेन पल्पेट करेंगे तो उसका राइट साइड जो है वो हमेशा एम्प्टी होगा। जब एनिमल का स्मॉल इंटेस्टाइन और सीकम डिस्टेंड होता है तो ये डिस्टेंड होके एब्डोमेन के राइट साइड में आ जाता है, इसलिए जब हम एब्डोमेन को फील करेंगे पल्पेशन के दौरान हमें राइट साइड पे जो है सीकम और इंटेस्टाइन फील होगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, इससे हमें यह पता चलेगा कि एनिमल का सीकम और स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टेंडेड है।